नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि 5 साल के बाद में मैं वापस राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा रखकर हमारे जिले में कांग्रेस को मजबूती देने की दृष्टि से और पक्ष श्रेष्ठियों की अनुरोध पर मैंने घर वापसी किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बने और उसके लिए अधिक से अधिक हमारे विधायक चुनकर आए और उसमें गोंदिया भंडारा जिले का भी बहुत बड़ा पाटबड़ कांग्रेस को मिलना चाहिए इस भूमिका के लेकर के हम लोग सब लोग भविष्य में पूरी ताकत के साथ पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी भावना से हमारे तमाम गोंदिया भंडारा जिले के असंख्य कार्यकर्ताओं की जो भावना थी उसको सम्मान देते हुए मैंने कांग्रेस में घर वापसी का निर्णय लिया है। अग्रवाल जी, मैं पिछले 5 साल पहले विकास की राह पर भटक गया, विकास की चाह में भटक गया। मैंने सोचा कि जिन लोगों ने मुझे 27 साल इतना प्रेम और विश्वास दिया है उनको विकास की जो प्रतीक्षा है वो अगले 5 सालों में पूरी होनी चाहिए और उसी दृष्टि से एक भरोसे के साथ में विशेष करके देवेंद्र जी का हमको भरोसा मिला कि वे हमारे सारे सपने पूरे करेंगे और ये बिना बीजेपी सरकार के साथ में रहे बिना हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने 2014 से 19 का जो कार्यकाल देखा उनका एक विकासशील सरकार थी लेकिन उस विकास से गोंदिया क्षेत्र अधूरा था, अछूता था। मुझे बहुत मन में वेदना होती थी कि मेरी राजनीति की बलि की हमारी जनता बलि चढ़ रही है और इसलिए 50 साल के कांग्रेस के हमारे संबंधों को बाजू में रखकर मैंने बीजेपी में प्रवेश किया था। लेकिन इन 5 सालों में जब मेरा पराभव हो गया तो मैं सारी योजनाओं को आगे गति नहीं कर दे पाया और आजकल की सरकारें जो बनती हैं वो पूर्णतः आमदार को सेंट्रल पॉइंट बनाकर चलती है और जबकि हमारे यहाँ के आमदार का पूरा फोकस रोड रास्ते गली नाली जिससे ज़्यादा कमाई व्यक्तिगत तरीके से होती है वो उन पर उनका रहा। लेकिन अनेक ऐसे प्रश्न थे जिनको न्याय देने की आवश्यकता थी, किसानों के लिए सिंचन की व्यवस्था, चल रहे प्रकल्पों को पूरा करना, नए प्रकल्प को गति देना और साथ ही साथ गोंदिया का मेडिकल कॉलेज है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया उसकी जगह सरकार का खोलना, हमारे नर्सिंग कॉलेज की पूरी तरह इमारत वगैरह आज तक 10-12 साल में बनी नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये सारे काम मैं करना चाहता था और इसलिए आज गोंदिया में फिर एक बार विकास की लहर आए, विकास के बयार आए